19 मार्च को मैं और कनक घर से बाहर निकले थे अगले 7 दिनों के लिए वडोदरा और इंदौर के सैर पर। ये वीडियो हमारे पहले दिन का है जहां हमने वडोदरा सिटी के अट्रैक्शंस एक्सप्लोर किए थे, तो बने रहे हमारे साथ वीडियो के अंत तक और आनंद ले गुजरात के इस खूबसूरत शहर का। वडोदरा रेलवे स्टेशन के बिल्कुल पास अग्रवाल भवन गेस्ट हाउस में हमने अगले 2 दिन के लिए बजट स्टे बुक किया था जिसका किराया पर डे 600 था। हमारे टूर के पहले दिन की शुरुआत गर्मा गर्म पोहे के साथ हुई। मॉर्निंग ब्रेकफास्ट कांदे पोहे, कांदा पोहा। लेकिन आप देख सकते हो कि जैसे पोहा महाराष्ट्र में भी पॉपुलर है, गुजरात में भी पोहा खाया जाता है, लेकिन ये पोहा कुछ अलग होगा महाराष्ट्र से। जैसे कि यहाँ पे प्याज ऊपर से अलग से गिरती है। और चाचा इस ग्रेवी को क्या कहते हैं? मिसल पाव का रस्सा। अच्छा, मिसल पाव का रस्सा है जो एडिशनल ऊपर से जाता है। टेस्ट तो बढ़िया है। और अगर कभी गुजरात आते हो तो मोस्टली आपको ब्रेकफास्ट में लोग यहाँ पे फाफड़ा जलेबी खाते हैं, लेकिन हमने ट्राई किया कि मॉर्निंग में कुछ हेल्दी फूड जाए, हेल्दी फूड वो हेल्दी ब्रेकफास्ट हो जाए तो अच्छा रहेगा पूरे दिन भर के लिए। तो हम पोहा ढूंढ रहे थे और लकीली हमें मिल भी गया। आज का पूरा दिन हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट के साथ ट्रैवल करने वाले थे जो काफी किफायती और आसान भी था। आज हमारे सफर का पहला दिन है और आज हम वडोदरा शहर के अट्रैक्शंस कवर करने वाले हैं। और सबसे पहले हम आए कुतुबुद्दीन तोम देखने, जो कि आप हमारे पीछे देख पा रहे हो। अगर आप यहाँ पे किसी से पूछते हो कुतुबुद्दीन तोम तो शायद ही कोई बता पाएगा, क्योंकि ये जगह जानी पहचानी जाती है हजीरा के नाम से। हम यहाँ तक आए सिटी बस से जिसका किराया हमें लगा पर पर्सन 9 रुपीज, और 20 नंबर की बस पकड़ के आप यहाँ तक आ सकते। टूम्ब आप देख रहे हैं मेरे पीछे, ये मोहम्मद कुतुबुद्दीन खान इनका था। और वो कौन थे? वो जो शहजादा सलीम थे उनके टीचर थे, और उसी के साथ यहाँ पर एक और उनके मतलब जो टीचर थे उनके भी बेटे का टूम्ब भी है, और उनके बहुत सारे रिश्तेदार के भी है। और उस तरफ अगर आप नज़र मारोगे तो वहाँ पर भी थोड़े से उनके रिलेटिव्स के टूम्ब है। और ये जो टूम्ब है एक गार्डन टूम्ब, जो दिल्ली के साइड में बहुत फेमस टूम्ब्स होते हैं ना, जहाँ प्रॉपर ऐसे गार्डन्स के साथ बनाया जाता है, ये उसी पैटर्न में बनाया गया है। और अगर आप देखोगे उस तरफ रोड के उस पार एक वाव है, वाव मीन्स अ स्टेप वेल। सो उस स्टेप वेल से पानी इस गार्डन को मेंटेन करने के लिए बनाया गया था उस जमाने में। और ये बहुत ही वेल मेंटेन्ड है, जैसे आप देखोगे हर जगह पे हरियाली एंड एवरीथिंग। बहुत ही अच्छा मॉन्यूमेंट मुझे लगा। एंड प्लस इस मॉन्यूमेंट का कोई एंट्रेंस फी नहीं है, इसका ओपनिंग टाइमिंग इज 8 to 6। 3 साल मैंने वडोदरा में गुजारे तो यहाँ की काफी सारी जगहों से मैं वाकिफ हूँ। कनक यहाँ पहली बार आई है, पर यह तुम्ब एक ऐसी जगह थी जहाँ मैं भी पहली बार आया था। ये खूबसूरत मॉन्यूमेंट और शहर के बीचों बीच बसा इसका शांत परिसर आपको यहाँ से जल्द निकलने नहीं देता। इस जगह को जी भर देख के हम आगे बढ़ते लक्ष्मी विलास पैलेस के लिए। यहाँ से बिल्कुल वॉकेबल डिस्टेंस पे बरोडा डेयरी सर्कल है, वहाँ से आपको हर 5 से 10 मिनट में 11 नंबर की बस मिल जाएगी जो आपको पैलेस के 2 नंबर गेट पे उतार देगी। तो यहाँ पे टिकट मिल जाएगी, और पैलेस की टिकट है 250 और फतेह सिंह म्यूजियम की 150। अगर आप दोनों कॉम्बो लेते हो तो 375 पर पर्सन लग जाती है, तो मैंने कॉम्बो टिकट लिया हुआ है। तो चलते हैं अभी एक्सप्लोर करते हैं म्यूजियम को और पैलेस। गाइस
टूम के बाद हम लोग आ गए हैं हमारे सेकेंड अट्रैक्शन पे, जिसका नाम है लक्ष्मी विलास पैलेस। ये वडोदरा सिटी का सबसे मेन अट्रैक्शन है। अगर आप वडोदरा आ रहे हो और लक्ष्मी विलास पैलेस नहीं देखा तो आपने कुछ नहीं देखा वडोदरा सिटी में। एंड इस पैलेस के बारे में ऐसा कहा जाता है कि ये बकिंगम पैलेस से भी 4 गुना बड़ा है। वैसे तो आप मेरे पीछे का स्ट्रक्चर देख के समझ गए होंगे कि ये कितना ह्यूज है। अनफॉर्चुनेटली मैं आपको अंदर से दिखा नहीं सकती क्योंकि अंदर वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी दोनों भी अलाउड नहीं है। सो सॉरी, आपको इस बाहर के नज़ारे को देख के ही अंदाज़ा लगाना पड़ेगा कि पैलेस कितना बड़ा। इस पैलेस का निर्माण राजा सयाजीराव गायकवाड़ ने करवाया था। दुनिया के अलीशान महलों में इसकी गिनती होती है। आज भी पैलेस के एक हिस्से में राजवंश परिवार रहता है। पैलेस में एक शस्त्र प्रदर्शनी भी है। दुनिया के बेमिसाल कलाकारों की कलाकृति ने इस पैलेस को बेमिसाल बनाया हुआ है। जिसका एंट्रेंस आपने देखा ही होगा, थोड़ी देर पहले हमने ले लिया था, जिसके एंट्रेंस फी के साथ हमें ये MP3 प्लेयर ऐसा कुछ मिलता है, जिसमें पैलेस के डिफरेंट डिफरेंट सेक्शंस के हिस्ट्री के बारे में दिया गया है। सो जब भी आप उस सेक्शन के पास जाओगे तो वो उस पर्टिकुलर सेक्शन का इंफॉर्मेशन आप सुनते सुनते आप वो एरिया को यू नो एडमायर कर सकते हो, और ये काइंड ऑफ आपका गाइड जैसा है। मॉर्निंग की शुरुआत हमने कुतुबुद्दीन तोम से की थी। हमारा होटल रेलवे स्टेशन के पास ही है, तो रेलवे स्टेशन के पास ही सिटी बस स्टैंड है। सिटी बस स्टैंड से हमने सिटी बस पकड़ के हम पहुँचे थे तोम की तरफ, जो कि डिस्टेंस है लगभग 9 किलोमीटर। फिर उसके बाद में हम आए लक्ष्मी विलास पैलेस, जो कि वहाँ से तोम से डिस्टेंस बनता है कुछ 4 किलोमीटर के आसपास। तो लक्ष्मी विलास पैलेस के बाद हम पहुँचे म्यूज़ियम, फतेह सिंह म्यूज़ियम, जो कि 1.5 किलोमीटर वॉक करके आना पड़ता है आपको यहाँ तक। तो अभी जहाँ हम यहाँ पहुँचे तो बाहर से देखने से लगा कि 150 रुपये की टिकट ले तो ली थी, लेकिन क्या ये वर्थ है? लेकिन जैसे हम अंदर जाके आ चुके हैं तो बिल्कुल पैसा वसूल है। आपको भी ज़रूर यहाँ पे आना चाहिए। फतेह सिंह म्यूज़ियम के बाद हम निकले सयाजी बाग की तरफ। 100 एकड़ से भी ज़्यादा एरिया में फैले इस विशाल पार्क का निर्माण भी राजा सयाजीराव गायकवाड़ ने करवाया था। ये ऐसी जगह है जहाँ एक ही जगह आपको 2 म्यूज़ियम, जू, प्लैनेटोरियम, फ्लोरल क्लॉक और टॉय ट्रेन देखने मिल जाते हैं। क्या कहते इसे, पापड़ी न लोट ना? हमारे सफर के दूसरे दिन हम गए चंपानेर और पावागढ़, जिसकी वीडियो जल्द ही हम आपके लिए लेके आ रहे हैं। ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक के साथ शेयर ज़रूर करें। कोई अधिक जानकारी पाना चाहते हो या कोई सजेशन हो तो आप कमेंट भी कर सकते हो। अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी कर दे। तो बाय गाइस, जल्द ही मिलते एक नए वीडियो के साथ।